दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से लविंग कपल देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ कपल तो ऐसे भी हैं जो काफी समय रिलेशनशिप में रहने के बाद एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध चुके हैं। पर कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिनकी शादी बिल्कुल भी नहीं चल पाई और तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए और अपने तलाक के बाद काफी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार भी हुए हैं और अपना करियर भी बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे भी कुछ सितारे हैं जो अपने तलाक के बाद और भी ज्यादा फेमस हो गए और उन्होंने पहले से ज्यादा तरक्की हासिल कर ली। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में बताने वाले हैं जो अपने तलाक के बाद और भी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। अगर जानना चाहते हैं आप भी उन सितारों के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, समांथा रूट प्रभु। सबसे पहले बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री के खूबसूरत अभिनेत्री समांथा रूट प्रभु की, जिन्होंने 6 अक्टूबर 2017 को साउथ के स्टार नागा चैतन्य से शादी रचाई थी। पर इनका ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और इन्होंने साल 2021 में ही एक दूसरे से तलाक ले लिया। और तलाक के बाद समांथा रूट प्रभु पहले से ज्यादा स्टाइलिश और फेमस हो गई है, जिन्होंने पुष्पा फिल्म में जबरदस्त आइटम सॉन्ग करके दर्शकों से खूब प्यार बटोरा और बहुत जल्द अपनी आने वाली फिल्म खुशी में भी जबरदस्त एक्टिंग करती नजर आने वाली। नंबर दो, मलाइका अरोड़ा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक आइटम सॉन्ग देने वाली अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बता दें कि ये भी अपने पति अरबाज खान से साल 2017 में तलाक लेकर अलग हो चुकी थी और उसके बाद से ये बॉलीवुड के सुपरस्टार अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियों में छाई हुई हैं। और खबरें हैं कि बहुत जल्द ये दोनों एक दूसरे से शादी भी रचा लेंगे और आए दिन मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर पार्टीज में एक साथ नजर आते हैं, जहां ये लाइमलाइट बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। नंबर तीन, श्वेता तिवारी। अब बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट ब्यूटीफुल अभिनेत्री श्वेता तिवारी के बारे में, जिन्होंने साल 1998 में राजा चौधरी से शादी रचाई थी। पर इनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई, जिसके बाद साल 2007 में ये इनसे तलाक लेकर अलग हो गईं और कुछ समय अकेले रहने के बाद इन्होंने अभिनव कोहली से साल 2013 में शादी रचाई। पर अफसोस, इनकी शादी भी नहीं चल पाई और उन्होंने साल 2013 में उनसे भी तलाक ले लिया। पर जब से इनका तलाक हुआ है, उसके बाद से श्वेता तिवारी काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रही हैं, जो इन दिनों अपनी नई सीरियल अपराजिता को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। नंबर चार, करिश्मा कपूर। नंबर चार पर बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। बता दें कि अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी रचाई थी और 11 साल के लंबे समय के बाद ये साल 2014 में उनसे तलाक लेकर अलग हो गईं। पर ऐसा नहीं है कि करिश्मा कपूर लाइमलाइट में बिल्कुल आना बंद कर दिया, बल्कि ये अपनी तलाक के बाद और भी ज्यादा फेमस हो गईं और ये अक्सर लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं। नंबर पांच, अमृता सिंह। लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार है 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री अमृता सिंह का, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं और अपना नाम टॉप लिस्टेड अभिनेत्रियों में शुमार करवाया है। बता दें कि इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के नवाब कहे जाने वाले सैफ अली खान से साल 1991 में शादी रचाई थी और 14 साल के लंबे समय के बाद उन्होंने साल 2004 में उनसे तलाक ले लिया, जिसके बाद से अमृता सिंह काफी लाइमलाइट में आ चुकी थी, जिन्होंने हीरोपंती और हीरोपंती 2 जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों से खूब प्यार बटोरा। वेल दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।